अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू ग्राफिक्स वर्ल्ड सरकार, और मैं हूं आपको दोस्त मलिक मोहम्मद सत्तान। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूं फोटोशॉप की एडिटिंग। फोटोशॉप की एडिटिंग मुकम्मल कैसे करते हैं, फेस कलर कैसे चेंज करते हैं, बैकग्राउंड कलर कैसे चेंज करते हैं, और इसके ड्रेस का कलर कैसे चेंज करते हैं। तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो साथ वाले बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको मेरी वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। सबसे पहले आपने कंट्रोल एन प्रेस करना है और इंटर करना है। यहाँ पर आपने कोई भी कलर दे देना है। यहाँ पर बकेट टूल से यहाँ से ये कलर उठाया, ये मैंने फेंक दिया। यहाँ पर इसको पिक टूल से उठाकर मैं अपनी इमेज पे ले गया। यहाँ पर ले जाने का शो बॉन्डिंग बॉक्स ओपन करेंगे, यहाँ से इसको फुल बड़ा कर लेंगे, इसको अप्लाई कर देंगे। इसके बाद अप्लाई करने के बाद हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई पे जाना है। यहाँ पर हमारे ड्रेस का कलर आ गया है दोस्तों। इसके बाद हमने अपने ड्रेस की कटिंग करनी है कि हमें यह कलर कहाँ तक चाहिए। तो दोस्तों हमने यहाँ पर पॉलीगॉन सब कटिंग कर लेनी है दोस्तों फुल ड्रेस की। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने अपनी सिलेक्शन मुकम्मल कर ली है। सिलेक्शन मुकम्मल करने के बाद हम यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर सिलेक्ट इनवर्स पर क्लिक करेंगे और डिलीट कर देंगे। डिलीट करने से ये आपका सिर्फ कलर रह जाएगा, जो एक्स्ट्रा कलर है वो ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों हम इसका कलर और भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर बकेट टूल पर आके हमने कोई भी कलर, ये वाला कलर लेने, कोई भी कलर हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो दोस्तों ये देखें, यहाँ पर मैं कोई भी कलर कर रहा हूँ तो वो बहुत ही अच्छे तरीके से आ रहा है। यहाँ पर ये कलर बर्न है तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारा कलर आ जाएगा। इसको हम कलर को एडजस्ट भी कर सकते हैं, जहाँ पर भी हम एडजस्ट करना चाहें। ये कलर मैं चाहता हूँ तो ये कलर भी आ जाएगा, ये कलर अच्छा है दोस्तों। यहाँ पर हम इसको इतना ही रहने देंगे। तो दोस्तों इसके बाद हमने अपने फेस और जो हमारी बियर है, दाढ़ी है, बियर्ड को कैसे सेटिंग करना है, यहाँ पर हमने सिलेक्शन कर लेनी है अपनी फेस की, जहाँ पर हमें ये कलर चाहिए। यहाँ पर मैंने अपने फेस को सिलेक्ट कर लिया दोस्तों। इस वीडियो को लगातार देखें, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है इस वीडियो में। अगर आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है तो यहाँ बैक स्पेस पर क्लिक करें तो ये बैक वापस अपनी जगह पे चला जाएगा। ये मैंने सिलेक्शन कर ली यहाँ से यहाँ तक। तो ये जो हमारी दाढ़ी है तो ये हमें इस स्टाइल में चाहिए, स्टाइल भी हम सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ पर। और इसके बाद हम ये वाली जगह सिलेक्ट कर लेंगे क्योंकि ये हमारी दाढ़ी का हिस्सा नहीं है। यहाँ पर हमने मुकम्मल सिलेक्शन कर लेनी है ताकि हमें कोई भी परेशानी ना आए। इसके बाद यहाँ पर मैंने इसको भी सिलेक्ट कर लिया मुकम्मल, और अपने बाजू को भी मैंने यहाँ पर सिलेक्शन दे दी दोस्तों। सिलेक्शन देने के बाद आपने करना यह है कि यहाँ क्लिक करना है कलर एम्प्लॉय पर। यहाँ पर एक दो बार क्लिक करना है, जो कलर आपको फेयर लग रहा है अपनी स्किन में वो कलर सेलेक्ट करें एक बार, और फिर उस पर वो कलर अप्लाई कर दें। अप्लाई करने से पहले ऊपर देख लें कि आपको ये 30% और ये 30% होना चाहिए, और यहाँ पर जो आपकी हार्डनेस है ये तकरीबन 50% तक होनी चाहिए। यहाँ पर 50% कर देता हूँ, ठीक हो गया दोस्तों। इसको थोड़ा सा जूम आउट करके हम इसका साइज इतना रख लेंगे। यहाँ पर हमने मुसलसल क्लिक करते रहना है तो ये हमारा फेस का कलर खूबसूरत हो जाएगा। यहाँ पर ये क्लिक किया मैंने, ये मैंने सिलेक्शन दोस्तों इसलिए किया कि ये जो कलर है बहुत ज़्यादा फैल जाता है, तो हमने वहाँ वहाँ कलर करना है जहाँ पर हमें ज़रूरत है, तो उसके लिए हमें सिलेक्शन करना ज़रूरी होता है। ये हो गया हमारा कलर फेस का, यहाँ साइज थोड़ा सा छोटा कर लेंगे, और यहाँ पर भी जो हमारा कलर आ रहा है दोस्तों ठीक हो गया। इसके बाद हमने सिलेक्शन यहाँ पर
खत्म नहीं करनी, राइट क्लिक करना है और यहाँ पर सिलेक्ट इनवर्स करना है। सिलेक्ट इनवर्स करने के बाद यहाँ पर हम आएंगे डोंगल टूल या बर्न टूल, बर्न टूल पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर इसको साइज फुल कर देंगे और हार्डनेस थोड़ी सी ज़्यादा कर देंगे। यहाँ पर 50% है, यहाँ पर 30% कर देंगे। यहाँ पर सिंपली क्लिक कर देंगे तो हमारा जो कलर है बियर्ड का वो बहुत ही खूबसूरत तरीके से यहाँ पर आ जाएगा। ये देखें दोस्तों, हमारा ये कलर आ गया है। यहाँ हम सिलेक्शन ख़त्म कर देंगे। इसके बाद दोस्तों, हमारी जो ये आईब्रोज का कलर है, इसका कलर भी हम सेट कर लेंगे। यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे और साथ आर्ट दबाकर, तो दोस्तों यहाँ पर हमने कलर करना है अपनी इस जगह को। एक बार आर्ट दबाकर हमने क्लिक कर दिया सारे पर। यहाँ पर अगर हमने कलर डोंगल उठाया तो ऐसे क्लिक करेंगे तो हमारा कलर शो हो जाएगा इस पर, जितना भी इसको गहरा कलर कर लें। इसके बाद दोस्तों, हमने अपने बैकग्राउंड को चेंज करना है तो बैकग्राउंड चेंज करने के लिए दोस्तों आपने फिर से सिलेक्शन करनी होगी। बैकग्राउंड चेंज करने से पहले दोस्तों मैं आपको एक और चीज़ बहुत अहम बता दूँ। यहाँ पर आपने जाना है इमेज में, एडजस्टमेंट में और कलर सिलेक्टिव कलर उठाना है। यहाँ पर ब्लैक हमने यहाँ पर जो रेड में है, रेड में से ब्लैक निकालना है तो हमारा स्किन का कलर थोड़ा और फेयर हो जाएगा। और इसके बाद हमने फिर एडजस्टमेंट में जाना है, कलर सिलेक्टेड कलर में जाना है। यहाँ पर सिर्फ ब्लैक शो करना है, इसको हमने थोड़ा सा आगे ले जाना है तो हमारे जो हेयर का कलर है वो भी ब्लैक हो जाएगा। बहुत ज़्यादा ब्लैक नहीं करना आपने। ओके ओके दोस्तों, इसके बाद हम अपनी सिलेक्शन शुरू करते हैं बैकग्राउंड के लिए। दोस्तों यहाँ पर मैंने अपने फ़ोटो की सिलेक्शन को मुकम्मल कर लिया है दोस्तों। इसके बाद हमने पहले ऊपर वाले कलर पर क्लिक करना है, यहाँ पर डिलीट प्रेस कर देना है। इस पर सबसे पहले राइट क्लिक करना है और सिलेक्ट इनवर्स करना है। इसको हमने ऊपर वाले कलर को क्लिक किया और डिलीट कर दिया। इसके बाद नीचे वाले को क्लिक किया और डिलीट कर दिया। यहाँ पर हमने कैपेसिटी देनी है 100% और ओके कर देना है। ये अभी हमारा बैकग्राउंड चेंज कर देगा, फिल कर रहा है, थोड़ा सी टाइम लगेगा दोस्तों। ये हमें इस तरह का कोई कलर दिखाएगा अरेज होने के बाद। यहाँ पर हमने क्लिक करना है रेजर पे, राइट क्लिक और मैजिक टूल पर क्लिक करेंगे तो इसके बाद हमारा बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा। तो यहाँ दोस्तों मैं ले आया हूँ बैकग्राउंड, और बैकग्राउंड आपने वो सिलेक्ट करना है जो आपकी इमेज के मुताबिक हो और बहुत ज़्यादा बुरा ना लगे। यहाँ पर मैंने इसको शिफ्ट दबाकर थोड़ा सा बड़ा कर दिया, इसको उठा के इस कोने में ले गया, शिफ्ट दबाकर नीचे कर दिया और यहाँ पर अप्लाई कर दिया। क्योंकि तो सबसे पहले उठाकर हमने नीचे ले आना है तो ये हमारा बैकग्राउंड यहाँ पर सेट हो गया है। बैकग्राउंड सेट होने के बाद आपने फिर अप्लाई कर देना है। अप्लाई करने के बाद आपने यहाँ पर फिल्टर में जाना है और यहाँ पर ब्लर और गॉशियन ब्लर पर क्लिक करना है। यहाँ पर अपने बैकग्राउंड को थोड़ा सा और ब्लर कर लेना है, इसमें थोड़ी सी नेचुरल क्वालिटी और आ जाती है इसमें। देखिए दोस्तों, थोड़ा सा ब्लर हो गया तो खूबसूरत लग रहा है ये इमेज। ओके कर दिया हमने। इसके बाद हमने फिर अगर अपने कलर को चेंज एक बार करना है तो कर लें। इसके बाद हम जब इसको मर्ज कर लेंगे तो इसका कलर हम चेंज नहीं कर सकते दोस्तों। इसका कलर मैंने ये कर दिया और इसकी कैपेसिटी मैंने थोड़ी बढ़ा दी। कैपेसिटी बढ़ाने के बाद मैंने इसको पकड़ा और साथ शिफ्ट पकड़ इस फाइल को पकड़ा और राइट क्लिक करके मर्ज कर दिया। मर्ज करने से हमारी ये इमेज मुकम्मल फिट हो जाएगी दोस्तों। ये देखें, हम इसको कहीं भी कलर के साथ उठा के ले जा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हम जाएंगे अपनी पिक्सआर्ट टूल में और उसमें बताऊंगा कि आप एक प्रोफेशनल फ़ोटो कैसे एडिट करते हैं पिक्सआर्ट में। तो इसमें सिर्फ कलर चेंज होगा और उसमें प्रोफेशनल फ़ोटो बन जाएगा। तो दोस्तों चलते हैं अपने पिक्सआर्ट की तरफ। हम आ गए हैं अपने पिक्सआर्ट ऐप की तरफ। तो यहाँ पर मैं इसका जादू आपको दिखाता हूँ। आपने ब्यूटीफाई पे जाना है और यहाँ पर अप्लाई कर देना है आपने ऑटो। ऑटो अप्लाई करने के बाद आपका ये सिलेक्टिव कलर ले आएगा। यहाँ पर आपने थोड़ा सा बड़ा कर देना है इस टूल को, ओके कर देना है। इसके बाद आपने फिर ब्यूटीफाई में चले जाना है, यहाँ पर डिटेल पे क्लिक करना है और डिटेल पर क्लिक करने के बाद आपने हार्डनेस फुल कर देनी है और यहाँ पर
कलर कर देना है अपनी आईज को। दोस्तों ये इसकी फुल डिटेल आ गई है इमेज में। यहाँ पर हम इसको ओके कर देंगे और यहाँ पर जाएंगे हम स्कैन टूल पे, स्कैन टूल पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा स्कैन टूल ओरिजिनल आ जाएगा, जो हमने वहाँ पर एडिट किया गया था वहाँ पर ओरिजिनल नहीं आ रहा था, ये ओरिजिनल आ गया। यहाँ पर हम ओके करेंगे। ओके करने के बाद अगर आपने अपने हेयर कलर चेंज करने तो एक बार क्लिक करेंगे और या तो डिटेक्ट कर लेगा आपने जो भी हेयर कलर करना है कर सकते हैं। दोस्तों ये कलर भी अच्छा है, दोस्तों आप जो भी कलर चाहें कर सकते हैं अपने हेयर्स को। ये फुल वाइट भी पड़ा है और बहुत से कलर पड़े हैं। इसके लिए आपको पिक्सआर्ट ऐप इंस्टॉल करनी होगी दोस्तों, बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर मैं आपको रेकमेंड करता हूँ सिर्फ एडिटिंग के लिए। अगर आपने इसमें वो करना है कपड़ों का कलर चेंज करना है तो वो आपसे नहीं हो पाएगा, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ये देखें दोस्तों हमारा ये फोटो एडिट हो चुका है। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और कमेंट में बताएं। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।